जी 11th क्लास, रिसेंटली बेटा आपने अटेम्प्ट किया अपना मिड टर्म एग्जाम, सभी अपना रिजल्ट्स देख चुके हैं, बट आपको मालूम है बेटा सेम कोर्स आपका फाइनल में भी इंक्लूडेड होता है, तो हमें बहुत जरूरी होता है हम अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा इसका सॉल्यूशन, और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए, जिसमें 1 मार्क का 20 MCQs एंड assertion reason questions आपने फेस किए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज, ए यूनियन बी क्या होगा? इसको मैक्सिमम कर पाए थे बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रहता है, ये आपको सिखाया हुआ है मैंने बार बार, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स ए सबसेट है बी सुपरसेट है, तो इंटरसेक्ट क्या होगा इनका? सबसेट, और यूनियन क्या होगा इनका? सुपरसेट। ये बार बार रिजल्ट यूज करते हैं बेटा, बट हाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी ए सबसेट बी, ए सबसेट बी ही हम बात करते जा रहे हैं, कभी और नाम दिए हैं या बी सबसेट ए लिख दिया है, तो अकॉर्डिंगली चेंज ध्यान रखिए बेटा, अंधाधुंध नहीं यूज करना। इंटरसेक्शन छोटा सेट होगा दैट इज सबसेट, और यूनियन बड़ा सेट होगा दैट इज सुपरसेट, इस कंडीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 2x+4 लेस देन इक्वल टू 3x+6 इज, देखिए सिंपल था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी, आपने सिर्फ ट्रांसफर करनी थी एक एक टर्म दोनों तरफ से बेटा, 3x ग्रेटर है तो 2x मैं इस साइड ही कन्वर्ट कर देती हूँ, ट्रांसफर कर देती हूँ, और 6 मैं इधर ट्रांसफर कर देती हूँ, क्योंकि साइन की गलती बच्चे कर देते हैं, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप बड़ी साइड में ही वेरिएबल ले जाइए, अदरवाइज बिल्कुल आप 3x भी इधर लाए हैं तो भी मैं बात कर लेती हूँ एक बार अभी। चलिए -2 लेस देन इक्वल टू x आ गया, दैट मीन्स जिसको आप x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 करते हैं, और सॉल्यूशन क्या है? -2 इंक्लूडेड है और उससे बड़े नंबर, तो इंफिनिटी तक जाएंगे, -2 इंक्लूडेड है तो क्लोज, और इंफिनिटी पर हमेशा ओपन होता है बेटा, दैट मीन्स। ठीक है, अब देखिए अगर आपने इस ढंग से सॉल्व किया है, 3x को लेफ्ट में लाए हैं आप, 4 को राइट में ले गए हैं, तो -x लेस देन इक्वल टू 2 आया होगा आपका, अब दैट मीन्स माइनस को हटाने के लिए आपने -1 से डिवाइड किया, और जैसे ही नेगेटिव से डिवाइड किया दोनों साइन चेंज हो गए और बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, जिसका सेम मीनिंग है, आंसर नहीं चेंज हो जाता, आप क्या पोजीशन ले रहे हो आंसर वही रहता है बेटा, बस अपनी कैलकुलेशन जो जो स्टेप समझाए हुए हैं ध्यान से करिए, केयरफुली अप्लाई करिए, आप दोनों में से जो मर्जी मेथड कर सकते। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 + i² -1 - i² इज 4 i। मैक्सिमम निकाल पाए थे बच्चे, लेकिन कोई कोई साइन का जो डिफरेंस कर दिया बेटा, देखो मैंने आपको मेंटल मैथ्स कराते हुए सीधा कहा था इसको हैबिट में ले आओ बेटा, 1 + i² 2 i आने वाला है, एंड 1 - i² इक्वल टू -2 i। ठीक है, अब जो आपसे पूछा था इसके लिए आप यूज करते हो तो 2 i -2 i, दैट मीन्स 2 i + 2 i 4 i। ठीक, अब ये कैसे आया था मैं ये भी एक बार रिकॉल करा देती हूँ, तो कंफ्यूजन है किसी ने वो क्लास नहीं अटेंड की थी, तो 1 + i² a + b² का फॉर्मूला लगाएंगे, 1² + i² + 2 i, i² क्या होता है बेटा? माइनस 1 - 1 कैंसल, सिर्फ आपके पास क्या रह गया? आयोटा। ओके, और इसी ढंग से 1 - i², इसमें आप a - b² की आइडेंटिटी लगाते हैं, 1 + i² -2 i, यहां भी ये सम 0 हो गया, आंसर रह गया। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था ये याद ही रख लीजिए, प्रैक्टिस में आ जाता है, जो याद क्या रटना क्या है बेटा, समझ के आपने एक ग्रैस्प किया हुआ और प्रैक्टिस में आता है, आप 5-6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो ऐसे रिजल्ट याद रहते हैं। ठीक है, 4 i नॉट -4 i। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज द सेट ऑफ एक्स एलिमेंट वेयर एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 10 एंड बी इज द सेट ऑफ एक्स एलिमेंट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, देन द वैल्यू ऑफ na + nb इज। देखिए 10 के फैक्टर कहे थे, 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 5, 10, दैट मीन्स ए ये सेट था आपका बेटा, दैट मीन्स na क्या था? 4। ओके, और उधर बी सेट इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स ए ई आई ओ,
सबको याद रहते हैं बेटा, दैट मीन्स एन बी क्या है, 5। तो एन ए प्लस एन बी क्या हो गया, 4 प्लस 5, दैट विल बी 9। सी आंसर था बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रूट ऑफ -4 इंटू रूट ऑफ -9। यहाँ कुछ कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दी बेटा, रूट ऑफ -4। देखिए पहले तो ध्यान रखिए, रूट ऑफ -1 इज आयोटा। नेगेटिव नंबर जब दोनों होते हैं तो रूट ए इंटू रूट बी रूट ए इंटू बी नहीं होता। ये आपको रिजल्ट स्पेशली बताया हुआ था, जिन्होंने भी अगर देखो सीधा कर दिया तो रूट ऑफ -4 इंटू रूट ऑफ -9, दैट मीन्स रूट ऑफ 36, दैट मीन्स टोटल रॉन्ग, टोटल रॉन्ग। देखिए अभी आप रूट ऑफ -4 दैट मीन्स रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1, दैट मीन्स 2 आयोटा, और उधर से रूट ऑफ -9 इज 3 आयोटा। तो प्रैक्टिस में लाइए बेटा, 2 इंटू 3 इज 6 आयोटा स्क्वेयर, एंड आयोटा स्क्वेयर इज -1। वैल्यू आपकी -6 आती है, ना कि 6, ठीक है। बहुत से बच्चे इसे 6 लिख गए, जल्दी में गलती कर गए, सॉरी -6। ये ध्यान रखिए बेटा, रूट ए इंटू रूट बी दोनों नेगेटिव नंबर के लिए, रूट ऑफ ए क्रॉस बी नहीं, बाकी सभी सिचुएशन में होता है। दोनों पॉजिटिव हो, होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, होता है, लेकिन दोनों नेगेटिव में, ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मिस कर गए बहुत। चलिए, द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 20 प्लस आयोटा पावर 30। अब ये बिल्कुल कंसिक्यूटिव टर्म्स नहीं थी, बट आपको जो ध्यान रखना था, आयोटा पावर 4 1 होता है, तो आयोटा पावर 4 का कोई भी मल्टीपल आ जाए 1 का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ब्रेक करते हैं और आयोटा स्क्वेयर -1 यूज करते हैं, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा यूज करते हैं, और इंडिसेस का रिजल्ट यूज करते हैं बेटा, ए पावर एम प्लस एन इज ए पावर एम इंटू ए पावर एन, ठीक है। चलिए इसमें क्या हुआ, आयोटा पावर 10 इज 8 प्लस 2, आयोटा पावर 20 इज 4 का मल्टीपल ही है, आयोटा पावर 30 इज 28 प्लस 2, 4 के मल्टीपल सोचे हैं बेटा, ठीक है। तो इसको मैं चलो एक बार लिख देती हूँ, पर आई एम श्योर आप ये मैक्सिमम बच्चे कर पाते हैं। इस रिजल्ट को यूज किया तो आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा पावर 2, सेकेंड को आप सीधा लिख सकते हो 1, थर्ड को आप अगेन आयोटा पावर 28 इंटू आयोटा पावर 2, ओके, आयोटा पावर 8 आयोटा पावर 28 दोनों 1 हो गए इस रिजल्ट से, 4 के मल्टीपल है, और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 इंटू -1, ये भी 1 इंटू -1, -1 प्लस 1 -1, दैट मींस -1। और आई एम श्योर ये एक्सप्लेन बिल्कुल मैं कर रही हूँ, जिनको भी समझ ना आई हो, जिन्होंने भी गलती की है, जो भी नहीं कर पाए हैं वो सीख ले। आई एम श्योर मैक्सिमम बच्चे इसको बेटा एक ही स्टेप में कर पाए होंगे जल्दी से, ये -1 ये 1 ये -1, बहुत सिंपल पावर्स थी, ठीक है, -1 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, If tangent theta is half and tangent phi is 1/3, then value of theta plus phi. Clear cut था बेटा, यहाँ आपने formula use करना है tangent of theta plus phi का, which is tangent theta plus tangent phi divided by 1 minus tangent theta tangent phi. Tangent theta is half, tangent phi is 1/3. 1 minus tangent theta is again half, tangent phi is 1/3. 1/2 plus 1/3, आपको कैलकुलेशन अच्छे से ध्यान रहती है, that is 5/6. इसको भी आपने मल्टीप्लाई किया 1/6, 1 minus 1/6 is 5/6. बड़ी जल्दी मेंटल कैलकुलेशन हो जाती है बेटे, that is 1, और 1 tangent की वैल्यू होती है 5/4. Theta plus phi is 5/4. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर एंड ऑफ ए क्लॉक एट 8:30 इज। देखिए ये क्वेश्चन बेटा आपका ऑलमोस्ट 6 क्लास के लेवल का, आप वहां पे भी ये डिस्कस कर चुके हो क्लास में, फिर भी जो बच्चे गलत कर पाए उन्हें सोचना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस। देखिए ये आपका एंगल
5 मिनट का जो एंगल होता है आपको हेयर कट ध्यान रहता है 30 डिग्री, फिर ये अगले 5 मिनट का 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री भी अगर आपको कंफ्यूजन है, देखिए ये आपका 90 डिग्री है, तीन पार्ट्स में बटा हुआ है तो एक पार्ट 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, अब ये जो लास्ट पार्ट है ये इतना पोर्शन 8:30 हो चुके हैं बेटा, 8 पर क्या था, सिंपली 8 यहाँ पर और 3 एंड यहाँ पर, ये यहां से यहाँ आ चुकी है, मतलब हाफ आवर पास हो चुका है। जब हाफ आवर पास हो चुका है बेटा, मिनट एंड 12 से 6 गई है, तो आवर एंड भी 8 से 9 के बीच का हाफ डिस्टेंस कवर कर चुकी है, हाफ डिस्टेंस कवर कर चुकी है, तो ये एंगल भी 30 का हाफ होगा, दैट मीन्स 15 डिग्री, 15 डिग्री, तो बस इन्हें ऐड करना था बेटा अपने 75 डिग्री, 30 प्लस 30 प्लस 15, 75 डिग्री, दैट मीन्स सी, ठीक है, बहुत सिंपल था बेटा, 6th क्लास का क्वेश्चन था ये, ओके। चलो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 7C2 प्लस 7C3 इज, यस बिल्कुल ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते थे, 7C2 निकालो, 7C3 निकालो, ऐड करो, इनको निकालो, बट बेटा एक रिजल्ट बताया था, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 विल बी एन प्लस 1 आर प्लस 1, रिजल्ट्स बहुत कम है इसमें, बहुत ज्यादा नहीं है जो आप ना याद करें, रिजल्ट्स याद कर लीजिए इनको, आप सीधा आप कर सकते थे 7C2 प्लस 7C3, n इज 7, r इज 2, दैट मीन्स 7 प्लस 1 8, सी आर प्लस 1 ये होता है बेटा 3, 8C3 इज, ओके बी इज दैट। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया, इंडिया में टोटल कितने लेटर्स बेटा, 5, लेकिन एक आई जो है वो रिपीट हो रहा है 2, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट लेटर्स दिए हैं उसमें से रिपीट हो रहे हैं, तो आपका क्या फॉर्मूला लगता है, टोटल लेटर 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्या इसका लॉजिक भी बताया था, 5 को 5 वे से अरेंज करोगे 5 फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि आई की इंटरचेंज पोजिशन सेम काउंट होगी तो हाफ रह जाएगा, मतलब उसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे जितने रिपीटेड है, कैसे 5 फैक्टोरियल इज 120 डिवाइडेड बाय 2 इज 60, आपका आंसर था यहाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑर्डर्ड पेयर 5a 2a प्लस बी इज इक्वल टू बी 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लस बी, सिमिलर इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन था बेटा, 5a b है, 2a प्लस बी 35 है, सिंपल ये b 5 है, यहाँ आप पुट करते तो 2a प्लस 5 है, दैट मीन्स 7 है, इज 35, दैट मीन्स a इज 5, a 5 b आपका 5 टाइम्स a है, दैट मीन्स 25, a प्लस b क्या हो गया 25 प्लस 5, दैट मीन्स 30, 30 वाज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज 3 एंड b इज द सेट x such that x is less than equal to 4 and x is a whole number, then number of elements in the A cross B, number of elements in Cartesian product, क्या होता है बेटा, number of elements in first set into number of elements in second set, अब first set में तो आपको 3 दे रखे हैं, second set builder form दे रखा है, B है whole number है और 4 तक equal है, ठीक है 4 तक, दैट मीन 0 1 2 3 4 कितने हो गए 5 5 3 5 15, कार्टिजन प्रोडक्ट पे 15, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट विद एलिमेंट 1 2 3 4 5, इस सेट में कितने एलिमेंट बेटा 5, तो सबसेट्स कितने पॉसिबल होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 2 पावर 5, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, दैट इज 32, तो डी आंसर था बेटे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन टू कॉस एक्स इज, नो डाउट देखा आपको पता है बेटा साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 to 1, कॉस एक्स की रेंज भी सेम होती है
बट यहाँ आपको इनका प्रोडक्ट दे रखा है बेटा, तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर टैक्टिक यूज करनी थी। आप 2 से मल्टीप्लाई करते और 2 से डिवाइड करते, ये किस में चेंज हो गया, हाफ ऑफ साइन 2x, ठीक है, साइन एक्स इन कॉस एक्स आपका चेंज हो गया हाफ ऑफ साइन 2x में। अब साइन 2x, क्योंकि साइन थीटा की रेंज -1 to 1 है, साइन 2x लाई करेगा बिटवीन -1 and 1। आपको हाफ ऑफ साइन 2x चाहिए तो हाफ से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू है वो मैक्सिमम हाफ होगी मिनिमम -1/2, और यहां पर मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू होती दैट इज हाफ। और ये आप याद रख सकते हो बेटा आप, ठीक है, याद रख सकते हो सिंपल कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू बिटवीन -1/2 and 1/2 है। मैक्सिमम पूछे तो आपको आप बता सकते हो हाफ, मिनिमम पूछे तो आप बता सकते हो -1/2। चलो नेक्स्ट, इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन एक्स बिलोंग, रैशनल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब पॉजिटिव दे रखा है और एक्स की वैल्यू है। इसका शॉर्टेस्ट वे था बेटा वेवी कर्व, आपको समझाया हुआ है। देखिए एक्स माइनस वन का 0 1, एक्स माइनस थ्री का 0 3, -∞ to ∞ नंबर लाइन डिवाइड हो गई 3 इंटरवल्स में, और आप देखो दोनों एक्स का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, ठीक है, और आपसे पॉजिटिव ही पूछा है तो इसमें और इसमें पॉजिटिव होगा। बट ध्यान जो रखना था बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन है तो डेनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, दैट मीन्स एक्स शुड नॉट बी, ठीक है, तो -∞ to 1 ये एक पोर्शन था इंटरवल का पार्ट था लेकिन 1 इंक्लूडेड था। दूसरा जो पोर्शन था 3 to ∞, वहां पर 3 इंक्लूड नहीं होना था, ओपन इंटरवल, ठीक है, 3 इंक्लूड नहीं होना था, तो ए आंसर था बेटा बी, वो तो ने जलवा भी टी सॉरी टी नहीं था टी लिखा हुआ, बी केयरफुल बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन है, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ओके। अब यहीं पर मैं मौका लेके आपको रिकॉल कराना चाहूंगी बेटा, कुछ बच्चे मुझे अभी भी बेवी के बावजूद भी करते दिखे नॉर्मल मेथड से। अब देखो नॉर्मल मेथड में आप खुद गेस करना कितना टाइम लगता है बेटा, आपको कहा है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री इज पॉजिटिव, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है जब दोनों नंबर्स या तो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशन है तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे एक्सप्रेशन या नेगेटिव होंगे। अब देखिए क्या होता है बेटा, यहां से आपने जो कैच किया एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, दोनों होगा सॉरी दोनों होगा, 1 और 3 में 3 इज ग्रेटर, तो इन दोनों से अल्टीमेटली आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। आपको ये नंबर लाइन से भी बताया हुआ बेटा, एक बार मैं इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ, 1 से ग्रेटर, मैं अभी लाइन पर नहीं ड्रॉ करी ठीक है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए, इस साइड आपका सॉल्यूशन जा रहा है, 3 से ग्रेटर इस साइड आपका सॉल्यूशन जा रहा है, तो कॉमन कहाँ जाता है 3 से ग्रेटर, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और इधर जब लेस देन की बात करते हैं आप, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा या एक यानी एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 होगा, यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे तो यहाँ एंड की बात है, ऑप्शन जो है और इन दोनों कंडीशन, ठीक है। अब यहां पर भी देखो, यहां जब बात आती है एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो कॉमन का आता है दोनों शेड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, इनसे फर्दर क्या आता है एक्स लेस देन इक्वल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेकिन डेनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो यहां से आपका सॉल्यूशन आया एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ये न्यूमरेटर में है, तो बिल्कुल यहां से सॉल्यूशन आएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 and 1 is included. तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे x belongs to -∞ to 1 union 3 है बेटा,
और लेंथी होने के साथ साथ मेन फैक्ट क्या है, जनरल ऑब्जर्वेशन मेरी क्या है, इनमें से एक कंडीशन बच्चे कर लेते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं बेटा, नहीं करते। सब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ, और मल्टीपल चॉइस के लिए तो आप इतनी मेहनत करो बिल्कुल ही नहीं बनता बेटा। वेवी कर्व सीखिए, जिसको अभी तक नहीं आया सीखिए, इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसको देखिए, इसको सीखिए। वेवी कर्व इज इम्पोर्टेंट टू लर्न फॉर सो मेनी थिंग्स, कैलकुलस में भी यूज होगा आपका 12th। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ माइनस फोर एक्स इज ग्रेटर देन 20 एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड, दैट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, देन एक्स बिलोंग्स टू, मतलब सॉल्यूशन सेट पूछा है बेटा। और सिंपल यहाँ चेकिंग हो रही थी आपकी नेगेटिव से डिवीजन की, मैं एक बार चलिए लिखूं पूरा, तो माइनस फोर से डिवाइड होगा ना बेटे, माइनस फोर को हटाना है, माइनस फोर से जेड से नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी रिवर्स, इनइक्वालिटी रिवर्स, एक्स इज लेस देन माइनस फाइव और माइनस फाइव से लेस है, इंटीजर्स लेने हैं आपने, तो माइनस फाइव से लेस सबसे पहला आया माइनस सिक्स, फिर माइनस सेवन, फिर माइनस एट, ऐसे ही लेफ्ट में आप आगे बढ़ते जाएंगे, इनफाइनाइट तक, कोई कंडीशन नहीं बोली, तो ये सेट सॉल्यूशन होगा बेटा, एक्स इसको बिलोंग करेगा, दैट मीन्स ए नहीं था, ठीक है, माइनस फाइव इंक्लूड नहीं होना था, ए नहीं था, डी आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इफ एनसी 12 इज इक्वल टू एनसी 13 देन वैल्यू ऑफ 25 सी एन इज, देखिए आपको रिजल्ट पता है बेटा, एनसीपी इज इक्वल टू एनसीक्यू होता है इफ एंड ओनली इफ आइदर पी इज इक्वल टू क्यू और पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एन, राइट, ये रिजल्ट आई होप याद है। एनसी 12 इज इक्वल टू एनसी 13 दे रखा है यहाँ पर, तो क्लियर कट ये वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है, पी क्यू के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, एन इज इक्वल टू प्लस क्यू, यहाँ पर 12 प्लस 13, ठीक है, 12 प्लस 13 दैट मीन्स 25, ठीक है, तो 25 सी एन पूछा है, दैट मीन्स 25 सी फाइव पूछा है, एन सी एन वन होता है, यहाँ आंसर हो गया हमारा बेटा वन। The number of ways in which six letters can be posted in three post boxes. Six letters है बेटा और three post boxes है। अब आपसे number of ways पूछा है कि इनको three post boxes लगाएगा, कोई condition और है नहीं, that means तीनों boxes में कोई भी letter जा सकती, that means अगर हम एक एक करके account करें तो first letter के पास three ways है, second letter के पास भी three ways है, इसमें पोस्ट बॉक्सेस में डाला जाएगा, इस तरीके से सिक्स लेटर के पास भी। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, इन थ्री थ्री वेज को हर एक के हम मल्टीप्लाई करें, छह की छह लेटर पोस्ट होनी है, वन आफ्टर अनदर एक्टिविटी होनी है, आंसर क्या हो गया बेटा, 3 पावर 6, बी इज द आंसर। Assertion reason question बेटा बहुत बार डिस्कस कर चुके, आई होप अब तक तो आपको भी ABCD ऑर्डर याद रहता है, बट स्टिल जिसने अभी तक ना गौर किया हो तो मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। आपको दो स्टेटमेंट दी होंगी, एक assertion जिसको शॉर्ट में A लिखा जाएगा, दूसरी जिसमें R लिखा जाएगा, दोनों को गौर से पढ़िए, दोनों को देखिए कौन सी सही है कौन सी गलत है, सही है तो क्यों सही है, ठीक है, अगर आप देखते हैं कि दोनों सही है और ये रीजन वाली स्टेटमेंट ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के होने का, ए चूज करिए, ठीक है, दोनों सही हो लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो रीजन वाली स्टेटमेंट ए के होने का, बी चूज करिए, अगर एजर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी चूज करिए, अगर एजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू है तो डी चूज, ओके, यही पैटर्न रहना आपका 12th तक। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहला क्या था, assertion है द सेट ए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 9 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज ए फाइनाइट सेट, क्या ये फाइनाइट सेट है बेटा, ये 5 से 9 के बीच में रियल नंबर्स का है, आपको ध्यान हो तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं बेटा,
फाइव और सिक्स के बीच में खुद ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, फाइव और नाइन के बीच डेफिनेटली इनफाइनाइट होंगे, यहाँ फाइनाइट वर्बुल है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट रॉन्ग। रीजन आपसे कहा फाइनाइट सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ वैसे मैं इसको मोस्ट करेक्ट मानती हूँ काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पर ठीक है टर्म, इसको भी हम ये ले सकते हैं कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फाइनाइट सेट उसे कहेंगे जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स अजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, हमारा आंसर क्या है डी, ठीक है, डी में अजर्शन फॉल्स रीजन। चलिए नेक्स्ट, assertion is the domain of fx is equal to x minus 3 upon as x is r minus 4. Yes, domain rational expression का कैसे देखते हैं बेटा, numerator का domain, intersection denominator का domain, और denominator और numerator दोनों का real number है, लेकिन आपको ये check करना है rational में कि denominator should not be डेनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, एक्स शुड नॉट बी फोर, तो एक्चुअली डोमेन क्या हो गया आर माइनस सेट विद एलिमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच एफ एक्स इज डिफाइंड, तो ठीक बेटा डोमेन के लिए हम यही देखते हैं, डोमेन उन सब और एक्स की वैल्यूज है जिनके लिए एफ एक्स डिफाइंड, तो एजर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और assertion reason का correct explanation है, that means हमारा answer क्या होगा B। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।